बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनिल इम्तियाज है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमन सेटलाइट टाउन बहावलपुर से है। मेरा सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स है और आज हमारा बुधा आर्ट के हिस्से गंधारा आर्ट के फर्दर टॉपिक स्टूपा की आज ये चौथी किस्त है। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर, हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे गंधारा आर्ट और गंधारा आर्ट से रिलेटेड एक इंतहाई अहम आर्किटेक्चरल पार्ट जिसको कह सकते हैं स्टूपा। स्टूपा क्या है, स्टूपा की बनावट क्या है, स्टूपा कैसे बना, उसको बनाने का मकसद क्या था, उसकी टाइप्स क्या क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा आज का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने टाइटल ऑफ द बुक है, यानी ये वो किताब है जिसमें से रेफरेंस के तौर पर हम इन तमाम लेक्चर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त पंजाब के तकरीबन तमाम ही कॉलेजेस में और डिवीन बहावलपुर के अंदर भी कदीम इंसान और फन मुसविरी एज रेफरेंस बुक इस्तेमाल की जा रही है। इसका राइटर है प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत हसन और पॉलीमर पब्लिकेशंस के तहत ही पब्लिश की गई है। चैप्टर नंबर 8 इस किताब का आठवां चैप्टर जो सेकेंड ईयर का हिस्से का पहला चैप्टर बनता है, गंधारा आर्किटेक्चर, जिसके बारे में तीन हिस्से हैं। गंधारा आर्ट, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि बुद्ध मजहब से इसका ताल्लुक है और बुधा की हालात जिंदगी पर यह बेस करता है। इसके तीन हिस्से हैं, स्टूपा, पिलर्स और टेम्पल्स। मेरे पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर हमने गंधारा आर्किटेक्चर में पिलर्स और टेम्पल्स की एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही अच्छी डिस्कशन की, जिसमें आई होप सो कि मैंने इतना कंटेंट जरूर आपके सामने वाजे कर दिया था कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आपको टेम्पल्स और पिलर्स से रिलेटेड ज्यादा मवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो कि उसी में ही आपको समझ आ गया होगा। स्टूपा उससे थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता था कि इसके ऊपर एक बाकायदा एक लेक्चर डेवलप होना चाहिए और उसके ऊपर डिस्कशन होनी बेहद अहम है। स्टूपा क्या है, ये गंधारा दौर की एक अहम तामीरात में है। इसके गोल गुंबद नुमा इमारतें हैं और इन गुंबदों पर गौतम बुद्ध के हालात जिंदगी रिलीफ की सूरत में बने हैं। इसके अलावा आरायशी नमूने बने हैं। इब्तदाई दौर में ये कच्ची मिट्टी से बनाए गए और फिर ईंटे इस्तेमाल किए गए। इन स्टूपा के अंदर हमें गौतम बुद्ध की राख या इनके जिस्म का कोई हिस्सा रखा जाता था। अशोक बादशाह ने गौतम बुद्ध की राख को, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था, उसने अपने अहद में बुद्ध मजहब की तरवीज के लिए बेशुमार कोशिशें की और पूरी दुनिया में अपने पैरोकार भिजवाए जिन्होंने बुद्ध मजहब की आगे तबलीग को राइज किया। हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की राख को हजारों मन राख से मिलाकर पीतल के बर्तनों में अशोक बादशाह ने डलवाया और दुनिया के कोने कोने में भिजवाया। ये वो बादशाह था जिसने बुद्ध मजहब की तरवीज में बहुत अहम और बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उसकी खिदमत और उसकी तमाम कोशिशें आज भी बुद्ध मजहब की तमाम निशानियों को देखकर अंदाजा होता है कि उस वक्त की इसकी तमाम कोशिशें और वो तमाम अलामतें जो उसने डिवेलप करवाई बुद्ध मजहब के लिए और बुधा के लिए, वो अपनी मिसाल आप है। बादशाह ने गौतम बुद्ध की राख को हजारों मन राख से मिलाकर पीतल के बर्तनों में डाला और दुनिया के कोने कोने में भिजवाया। अक्सर औकात इन राख के बर्तनों के ऊपर स्टूपा तामीर किया गया। ये स्टूपा मट्टी के ढेर की तरह अंदर से बिल्कुल भरा हुआ और सॉलिड होता है। इस गुंबद के अंदर जाने का कोई रास्ता, कोई एंट्रेंस या कोई खिड़की नहीं होती। सारी सजावट और रिलीफ हमें इसके बाहर की तरफ बनाई जाती है। इसके अंदर ऐसी कोई एंट्रेंस नहीं जिससे अंदर के अंदर क्या हालात है और कैसी ईंटें इस्तेमाल की गई कुछ पता चल सके। इस गुंबद के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता और सारी सजावट और रिलीफ बाहर की तरफ ही नजर आती है। स्टूपा की कई अकसाम हैं और माहिर तामीरात ने इनको मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया है। इसकी पहली एग्जाम्पल है, इसका पहले टाइप्स ऑफ स्टूपा आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। पहली है रेलिक स्टूपा, फिर है वोटिव स्टूपा, फिर है कमेमोरेटिव स्टूपा और आखिर में है मॉडल स्टूपा। मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में आपको मैं तमाम स्टूपास की एग्जाम्पल तस्वीरी शक्ल में दिखाऊं, आपको वाजे हो सके कि स्टूपास कैसे बनते हैं, उनकी शक्ल कैसी है,
उनकी जाहिरी शक्ल कैसी है और आपस में उनका क्या डिफरेंस है, ये हम आखिर में करेंगे। आपकी शक्ल पे स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने वाजे है रालिक स्टूपा। आप देख सकते हैं कि रालिक स्टूपा है जिसमें फ्रीज एक बेस तैयार की गई है जिसके ऊपर तीन डिफरेंट लेयर्स के अंदर स्टूपा को शक्ल दी गई है और उसके ऊपर एक बेस बनाई गई है। वो बेस लाजमन अंदर से बिल्कुल भरी हुई है और उसके ऊपर हमें मुख्तलिफ लेयर्स में स्टूपा के छोटे छोटे हिस्से जैसे कटे हुए स्लाइसेस की शक्ल में नजर आते हैं। कि बेस पर बुद्धा की डिफरेंट शक्लें उनके तमाम पैरोकारों के साथ खुदी हुई नजर आती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टूपा डेवलप किया गया है, रैलिक वोटिव स्टूपा। रैलिक स्टूपा स्टूपा अशोक बादशाह के गौतम बुद्ध की कहानियों को पत्थर में खुदवाने के लिए बनाए। ये मुकद्दस मकामात की कह सकते हैसियत रखते हैं और बुद्ध मजहब के प्रचार के लिए बनाए गए थे। स्टूपा के बाहर हमें बुद्ध की जिंदगी की कहानियां नजर आती हैं जिन्हें हम जातका कहानियां कहते हैं और बुद्धा को इनमें नुमाया तौर पर दिखाया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नीचे खूबसूरत तरीके से बुद्धा का मुजस्मा बनाया गया है और उसके साथ उसके पैरोकारों को भी कंधा किया गया है। ऊपर की लेयर्स में आपको फ्रेट वर्क दिखाए गए हैं जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। आगे आता है वोटिव स्टूपा। ये स्टूपा जिसामत में छोटे हुए और ये गौतम बुद्ध की जात को जाहिर करते हैं, यानी अलामत होते इसकी इबादत की जाती। ठीक, ये अलामती स्टूपा से जिनका साइज बहुत छोटा है, ये मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ जगहों पे रखे जाते हैं और इनके ऊपर खूबसूरत फॉर्म्स डिवेलप की गई जिसमें बुद्धा की अलामती शक्ल बनानी मस्त थी। ये घरों में भी रखे गए और ये मुख्तलिफ जगहों पर भी रखे जाते हैं और इनको वोटिव स्टूपा कहा जाता है। कमेमोरेटिव स्टूपा, जो आपके सामने दो स्टूपास की शक्लें वाजे हैं। ये स्टूपा गौतम बुद्ध के खास फरमान को जाहिर करते हैं, यानी गौतम बुद्ध की जात की याद को मनाने के लिए इन्हें तामीर किया जाता। ये स्टूपा किसी बादशाह के कारनामे की याद दिलाते हैं। आपके उल्टे तरफ आपको इस तरह लेफ्ट स्क्रीन पर कमेमोरेटिव स्टूपा की बेहतरीन एग्जाम्पल नजर आ रही है, जो एक बहुत ह्यूज साइड स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कॉन्क्रीट में डिवेलप किया गया है। कॉन्क्रीट एक ऐसा मटीरियल है जिसको एटमॉस्फेरिक असरात नहीं पड़ सकते, इसलिए ये एक बादशाह या उसके किसी स्टूपा या कारनामे की निशानी है। इसी तरह सीधे हाथ पे आपको सोने के पानी फिरे हुए स्टूपाज नजर आ रहे होंगे, ये भी किसी बादशाह की ही नेमतों और नेमतों का नजराना है। मॉडल स्टूपा आपके सामने है, स्टूपा की एक और शक्ल। ये जो मजहबी ग्रुप बुद्ध को जाहिरी शक्ल बनाने के मुखालिफ थे, उन्होंने अलामात के तौर पर इन स्टूपास को बनाया। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टूपा की तामीर और इसके मुख्तलिफ हिस्से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बेस स्टूपा इसके दो हिस्से हैं, बेस और डूम। बेस क्या है, हम पहले बात करेंगे इस पर। स्टूपा का सबसे पहला हिस्सा बेस कहलाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पिछले चारों एग्जांपल्स में नजर आया होगा। इसका मकसद स्टूपा को जमीन से बुलंद करना है और ये चबूतरा या प्लेटफॉर्म यानी गोल या चौकोर शक्ल में हो सकता है और ये अक्सर संगमरमर या इसी तरह की किसी लकड़ी में होता है। इसी तरह आपको डूम नजर आ रहा है। चबूतरे के ऊपर गुंबद बने हुए हैं और इमारत का अहम गोल हिस्सा दुगलाई की सूरत में नजर आता है। ये चबूतरे अंदर से भरे हुए और ठोस होते हैं और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अब हम मुख्तलिफ अदमार में बनाए गए स्टूपास की मिसालें समझेंगे। मौर्यन एहद के स्टूपा, स्टूपास फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी, इस दौर में मिलने वाले स्टूपा मौर्यन, भरत और बुद्धगया से मिले हैं। आपके सामने आपको तीन तरह की एग्जाम्पल्स नजर आ रही है, सांची स्टूपा, भरत स्टूपा, बुद्धगया स्टूपा। अब हम बात करेंगे सांची स्टूपा पर। गंधारा आर्ट का ये नादिर नमूना सांची के मकाम से मिला है। स्टूपा बाकायदा प्लान के तहत बनाया गया, ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर तामीर किया गया है।
इसके गुंबद का कतर इसके साइज से आप देखकर बेटे अंदाजा लगा सकते हैं कि 121 बटा हाफ इंच का है और ऊंचाई 77.5 इंच है। गुंबद के गिर्द एक जंगला है और ये जंगला या रेलिंग भी गोलाई की सूरत में बनी है। स्तूपा की असल वजह शोहरत इसके गेट है जो कि बड़े ही दरवाजों की शक्ल में बनाए गए हैं और क्रॉस में आपको बने हुए नजर आते हैं। इसकी तादाद 4 है। हर गेट 2 बड़े सुतूनों से बनाया गया है जिनमें 3 बीम्स डाली गई हैं। बीम्स की तादाद आपको नजर आ रही होगी इस तस्वीर में। इन बीम्स पर निहायत नफीस और खूबसूरत रिलीफ की मुजस्मा साजी की गई है। इसके अलावा देवियां बनाई गई हैं। सुतूनों पर भी रिलीफ की सूरत में बुद्ध की कहानियां नजर आती हैं। ये सुतून 25 फीट ऊंचे हैं। पत्थर में मुजस्मा साजी इस नफासत से की गई है कि लकड़ी के काम का गुमान होता है, जो हालांकि पत्थरों के सुतून हैं जिनके ऊपर खूबसूरत मीनाकारियां की गई हैं। अब आगे हम देखेंगे भरत स्तूपा। ये स्तूपा भरत से मिला है। स्तूपा सांची की तर्ज पर बनाया गया है। स्तूपा पर रिलीफ की सूरत में जातका कहानियां बनाई गई हैं। इसमें बुद्धा को अलामती तौर पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि गेट की एंट्रेंस पर उसी तरह 3 बीम्स हैं, क्योंकि कहा गया कि ये सांची के ही नक्शे पर बनाया गया है। इन बीम्स के बाहर आपको बुद्धा के मुजस्मे, घोड़े लिए हुए और मुख्तलिफ फॉर्म्स नजर आ रही होंगी और जातका कहानियां उन बड़े पत्थरों के ऊपर रिलीफ की सूरत में तामीर की गई है। अब आगे हम आपको दिखाएंगे बुद्ध गया स्तूपा। स्तूपा बुद्ध गया से मिला है। ये इलाका मद्रास के ताल्लुक है। इसमें रिवायती अंदाज में जातका कहानियां रिलीफ की सूरत में तराशी गई हैं। स्तूपा फ्रॉम कुशन डायनेस्टी। अब ये मिथिला स्तूपा और अमरावती स्तूपा, इनकी दो टाइप्स हैं। कुशन दौर के बादशाहों ने मौर्यन अहद के बादशाहों की तरह खूबसूरत स्तूपा तामीर करवाए और इस दौर के दो आलीशान स्तूपा से मिथिला और अमरावती कहते हैं, ये इन्हीं स्तूपा से मिले हैं। मिथिला स्तूपा सबसे पहले, इसकी तामीरात अहम खसूसियत रेड सैंडस्टोन है और इसकी लाल पत्थर से स्तूपा तामीर किए गए। इसमें बुद्धा को अलामती तौर पर बल्कि इसकी असल शक्ल में दिखाया गया और इसी लाल पत्थर से इसकी तशबीहात बनाई गई हैं। इसी तरह अमरावती स्तूपा, ये खासियत है कि ये सफेद संगमरमर से बनाए गए हैं। स्तूपा का कतर 192 मीटर है। इसके गिर्द रीलिंग है और इस रीलिंग में इंसानी मुजस्मों के साथ साथ आपको परिंदों और जानवरों के मुजस्मे भी मिलेंगे। ये दुनिया यहाँ बुद्धा को योगा की सूरत में दिखाया गया है। सुतून, बस आज का टॉपिक हमारा बेस करता था स्तूपा की डिटेल डिस्कशन में, जिसमें हमने कुशन स्तूपा और मौर्यन स्तूपा के बारे में डिस्कशन की। इसमें हमने सांची स्तूपा, भारत और बुद्धगया स्तूपा और कुशन डायनेस्टी के मिथिला स्तूपा और अमरावती स्तूपा को देखा, उनकी शक्लों से उनकी चीजों को पहचाना और उनके बारे में डिस्कशन की है। आई होप सो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से स्तूपा की शक्ल, उनकी साख, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बेस और डूम का डिफरेंस, उन चारों स्तूपा के अंदर क्या क्या चीजें डिफरेंट है, क्या क्या चीजें मिलती जुलती है, कैसे बेस जो एक कॉमन फैक्टर है, स्तूपा के अंदर का वो अंदर गुलाई वाला हिस्सा जो एक कॉमन फैक्टर है वो बनाया गया, और इसी तरह उनकी शक्लें, उनके ऊपर बनाए जाने वाले रिलीफ्स, कहीं बेस के अंदर बुद्ध के मुजस्मे, कहीं स्ट्रक्चर का डिफरेंस जैसे लाल पत्थर, कहीं सफेद पत्थर, कहीं सिर्फ पत्थर, कहीं शिष्ट पत्थर, ये सब पत्थरों के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। और सबसे खास बात ये कि स्तूपाज में या बुद्ध के मजहब में या गंधारा आर्ट में सबसे अहम मटीरियल पत्थर का इस्तेमाल किया गया। पत्थर कहीं शिष्ट ब्लू था, कहीं शिष्ट नीला था, कहीं सफेद संगमरमर है, कहीं आपको काला पत्थर नजर आएगा, कहीं आपको लाल पत्थर नजर आएगा। ये वो तमाम कंक्रीट के बड़े बड़े मुजस्मे नजर आएंगे। ये वो तमाम डिफरेंस ऑफ मटेरियल है जो हमें गंधारा आर्ट, उनके रिफ्लेक्शंस और उनकी खूबसूरतियाँ और आने वाले जितने रूलर्स गुजरे हैं या जिससे हमारा टाइम गुजर चुका है, उन सब रूलर्स के बारे में और उनके टेस्ट के बारे में बयान करता है कि कैसे उन्होंने नित नई शक्लों में स्तूपास को डिवेलप किया और बुद्ध मजहब को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया। बहुत शुक्रिया। हम अगले आने वाले लेक्चर में फर्दर डिस्कशंस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको स्तूपा के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ने के मान, बहुत शुक्रिया।